अच्छा, ये मैं डेस्कटॉप पे जा रही हूँ, यहाँ से मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसमें देखिए, मेरे पास आप लोग के पास सबसे पहले जब भी आप मॉडलर से फोल्डर डाउनलोड करते हो, आपके पास बेसिक मॉडलिंग का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फोल्डर जो है वो आप डाउनलोड करते हो, तो आपके पास ये सारी फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी फाइल्स आपके साथ पास आ जाती हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो शॉर्टकट है ना वो ये है कि आप लोग सिंपल जो आपका सीक्वेंस है, कोई भी प्रोटीन का सीक्वेंस आपने लिया, ठीक है, सबसे पहली फाइल कौन सी थी इसकी, ALI फाइल, ये है TVLDH की फाइल। इसको आप ओपन करें वर्डपैड में, यहां से आप ओपन करके ये देखें, यहां पर ना आप अपनी फाइल, ये सीक्वेंस है TVLDH का, आपका जो भी सीक्वेंस है आप यहाँ पर उसको कर दो पेस्ट, ठीक है, और बाकी इसमें कुछ भी चेंज ना करो, इसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी, यानी कि ये मैम उल्टा सीक्वेंस वाली फाइल नहीं शो हो रही। सीक्वेंस वाली फाइल नहीं शो हो रही। यस मैम। हाँ अब शो हो रही है, यस मैम। यहां पर आपके पास जो सीक्वेंस है ना ये वाला, इसको आप लोगों ने जो है चेंज कर लेना है, अपना सीक्वेंस इसकी जगह पे पेस्ट कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना। ये जो आपने ऊपर से TVLDH को रिप्लेस किया था ना अपनी प्रोटीन के सीक्वेंस के नेम से, वो आप मत करें, यहाँ से आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल आपने यहाँ पर अपना सीक्वेंस पेस्ट कर देना है, ठीक है, इसके बाद इसको एज इट इज सेव कर देना। फिर इसके बाद जो अगली चीज है, अगली चीज आप लोगों ने क्या करनी है, ये आपके पास सीक्वेंस फाइल बन जाएगी आपकी। अगला काम आप लोगों ने क्या करना है कि सारी की सारी जो फाइल्स है ना इनको डिलीट कर देना, ठीक है, अगर आप ना भी डिलीट करें तो वो भी रिप्लेस हो जाती होती हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि प्रेफर आप करें कि आप लोग अलग से फोल्डर बना लो, या फिर इसी फोल्डर में रहते हुए आप लोग ये जो फाइल्स बनी हुई ना, ये PDB की फाइल्स हैं और ये दूसरी फाइल्स हैं, इसको जो है ना आप डिलीट कर दो। अच्छा, इसके बाद आपके पास बाकी आप लोगों ने इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना, पाइथन फाइल्स आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी, एज इट इज रहने देनी। एक आपने सीक्वेंस चेंज कर देना है, दूसरा आप लोगों ने टेम्पलेट्स चेंज कर देने, टेम्पलेट्स का जो आप लोगों ने नाम T1 T2 3 T3 लिखा हुआ था, यहाँ पर आप लोगों ने जाकर इन टेम्पलेट्स को अपना, यानी कि आपका अगर ये टेम्पलेट है, आपने टेम्पलेट की फाइल रिप्लेस कर देनी है, लेकिन फाइल का नाम वही रखना है जो इन्होंने रखा हुआ है, मतलब आपने पहले टेम्पलेट को अपना नाम दे के आप लोगों ने कोड के अंदर चेंजेस की थी, कोड के अंदर जाके आप लोगों ने अपने टेम्पलेट्स के नाम रिप्लेस किए थे। अब आप कोड के अंदर चेंज नहीं करो, आप सिर्फ टेम्पलेट्स जो आप वहां से कॉपी करोगे ना, ब्लास्ट से डाउनलोड करोगे टेम्पलेट्स, उनको जो आपने नाम देना ना वो ये वाला दे देना, ठीक है। ये हमारे पास जो है टेम्पलेट्स जो है इन इनको आप लोगों ने अपनी मर्जी से, मतलब आप लोगों ने इसके अंदर जो रीनेमिंग है कोड के अंदर नहीं करनी, बल्कि टेम्पलेट का नाम चेंज करना है और सीक्वेंस फाइल के अंदर सीक्वेंस अपना एंटर कर देना है, तब भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। बस ये है कि आपका ये जो कोड इशू कर रहा होता है ना, रन नहीं हो रहा, एरर दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो कोड है वो उसी उन्हीं वर्ड्स को उसी नेम को यूज कर रहा है जो कि आप ऑलरेडी इसके अंदर दे देंगे, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने अब सिर्फ एक दो काम करने हैं, एक सीक्वेंस पेस्ट करके नाम एज इट इज रहने देना है, दूसरा आप लोगों ने टेम्पलेट्स को वही नाम देना है जो कि इधर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। टेम्पलेट आपके अपने होंगे, टेम्पलेट ये नहीं होने चाहिए, आप लोग ये ना करना कि टेम्पलेट यही रहने दो, आप वहां से, जैसे मेरे पास जो है डाउनलोड्स के अंदर पड़े हुए टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स आप लोगों ने डाउनलोड से उठाना है, उनको कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, लेकिन नाम क्या होना चाहिए उनका, 1BD8P, मगर टेम्पलेट कौन सा होगा, आपका टेम्पलेट होगा, ये वाला नहीं होगा। बात समझ आ रही है मेरी? यस यस मैम। मैम। तो इस तरीके से जो है आपकी आराम से बन जाएंगी स्ट्रक्चर्स, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं।